सवाल नंबर एक, हाथी का वजन कितने किलो का होता है? सही जवाब, भारत में पाए जाने वाले हाथियों का औसत वजन 5000 केजी तक होता है, जबकि अफ्रीकी हाथियों का वजन 6100 केजी के आसपास होता है। हाथियों का वजन युवावस्था में 2000 केजी से लेकर 6500 केजी तक रहता है। सवाल नंबर दो, किस ग्रह पर सबसे ज्यादा चंद्र है? सही जवाब, सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है। इस ग्रह पर 2009 में कुल 63 चंद्रमा खोजे गए थे। भविष्य में और भी चंद्रमा की खोज की जा सकती है। सवाल नंबर तीन, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब, 1940 तक लियोनार्डो द विंची से लेकर कई लोगों ने हेलीकॉप्टर की योजनाएं तैयार की थी, लेकिन इसका आविष्कार आइगोर शिकोर्स्काय और पॉल कॉर्नू ने किया था। सवाल नंबर चार, शरीर में ज्यादा बाल क्यों आते हैं? सही जवाब, वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण शरीर में बाल ज्यादा आते हैं। सवाल नंबर पांच, ब्रह्मा जी के पिता कौन थे? सही जवाब, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। सवाल नंबर छह, तेजी से वजन कैसे कम करें? सही जवाब, वजन कम करने के कुछ उपाय इस प्रकार है। नंबर वन, रोजाना रनिंग करें और जिम जाएं। नंबर टू, जंक फूड या ऑयली फूड से दूर रहे। नंबर थ्री, ब्लैक टी या ग्रीन टी पिए। खाने के तुरंत बाद न सोएं। नंबर फाइव, हरी सब्जियां, सलाद आदि का सेवन ज्यादा करें। सवाल नंबर सात, चाइनीज लोग इंडियन लोगों से अलग क्यों दिखते हैं? सही जवाब, चाइना में सभी लोगों के डीएनए में मंगोलियन जीन्स पाया जाता है, इसीलिए वे एक जैसे दिखते हैं। लेकिन भारत के डीएनए में कोकेशियन, ऑस्ट्रेलिया जॉइड और मंगोलियड जीन्स पाए जाते हैं, इसीलिए भारत में अलग अलग दिखते हैं लोग। सवाल नंबर आठ, कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब, गुजरात के खोजकर्ता के अनुसार कैलेंडर भारत के सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था। विक्रम संवत में 12 महीने का एक साल होता है और हर तीसरे साल में एक महीना जोड़ दिया जाता है। सवाल नंबर नौ, हॉटस्टार का मालिक कौन है? सही जवाब, हॉटस्टार एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नोवो डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सवाल नंबर दस, ग्रेट खली का पूरा नाम क्या है? सही जवाब, ग्रेट खली का पूरा नाम दलीप सिंह राणा है और इनका जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के धराइना में हुआ था। सवाल नंबर 11, चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? सही जवाब, उल्टे लटके रहने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर पाते क्योंकि उनके पंख भरपूर उड़ान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति पकड़ नहीं सकते। सवाल नंबर 12, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब, एनआरसी का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सवाल नंबर 13, मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है और इंसान एक बार में कितना खून दान कर सकता है? सही जवाब, एक स्वस्थ मनुष्य जिसका वजन 70-80 केजी होता है, उनके शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर तक रक्त होता है। सामान्य रूप से आपसे एक बार में केवल 350 मिलीलीटर खून लिया जा सकता है, इससे ज्यादा रक्त आपसे नहीं लिया जा सकता। सवाल नंबर 14, परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब, परमवीर चक्र यह सम्मान ज्यादातर परंतु दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत का गणराज्य घोषित हुआ था। सवाल नंबर 15, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई परछाई नहीं होती?
सही जवाब सड़क। सड़क की कोई परछाई नहीं होती। सवाल नंबर 16, सभी सिम कंपनियां अपने रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की ही क्यों रखती है? सही जवाब, 28 दिन होने से आपको एक साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करना होगा। टेलीकॉम कंपनी एक महीने ज्यादा कमाने के लिए 28 दिन का रिचार्ज रखती है। पहले एक टेलीकॉम ऑपरेटर की शुरुआत हुई और फिर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटरों ने भी इस कॉन्सेप्ट को समझा। सवाल नंबर 17, जो लोग देख नहीं सकते यानी कि अंधे होते हैं, वो सपने कैसे देखते हैं या सपनों में क्या देखते हैं? सही जवाब, जो जन्म से ही देख नहीं सकते उन्हें अपने सपने में कुछ नहीं दिखाई पड़ता। असल में उनके पास कोई विजुअल इमेजिनरी नहीं होती है, यानी उनके दिमाग में ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनती जिसे देखने का अनुभव किया जा सकता हो। सवाल नंबर 18, सलमान खान कौन सा फोन यूज करते हैं? सही जवाब, सलमान खान को नोकिया का बेसिक फोन बहुत पसंद है, लेकिन अब वह एप्पल का फोन चलाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सलमान की एक फोटो दिखाई दी जिसमें वो आईफोन इस्तेमाल कर रहे थे। सवाल नंबर 19, क्या हीरा काटने और निगलने से मौत होती है? सही जवाब, हीरा जहरीला नहीं होता, हीरा जितना चाहो चाट लो कुछ नहीं होगा, लेकिन हीरे को निगलने से कुछ परिस्थितियों में मौत हो सकती है। हीरे को निगलने से उनका नुकीला भाग आहार नलियों या आंतों को जख्मी कर सकता है, और बड़ी साइज का हीरा निगल लिया तो आहार नली में फंसकर मौत का कारण भी बन सकता है। सवाल नंबर 20, टॉलीवुड के एक्टर रामचरण की पहली फिल्म कौन सी है? सही जवाब, अभिनेता चिरंजीवी के बेटे रामचरण ने अपने अभिनय की शुरुआत सफल एक्शन फिल्म चिरुथा 2007 से की थी। सवाल नंबर 21, प्यास काटते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? सही जवाब, प्यास का छिलका उतार लीजिए, उसके बाद उसे कुछ देर के लिए पानी में डुबोकर छोड़ दें। आधे घंटे बाद प्यास काटे, ऐसा करने से आंखों में जलन नहीं होगी। सवाल नंबर 22, ताजमहल का निर्माण मुमताज के मरने से पहले हुआ या बाद में हुआ? सही जवाब, मुमताज का निधन बुहरामपुरा में 17 जून 1631 को बेटी गोहारा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ, और उसके बाद मुमताज महल की याद में शाहजहां ने 22 इयर्स में ताजमहल बनवाया। सवाल नंबर 23, रेड फोर्ट यानी लाल किला कब और किसने बनवाया था? सही जवाब, लाल किले को 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। ये किला 13 मई के रोज 1648 में बनकर तैयार हुआ था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। सवाल नंबर 24, गुदगुदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब, गुदगुदी को इंग्लिश में टिकल कहते हैं। सवाल नंबर 25, टच स्क्रीन क्या है और ये कैसे काम करता है? सही जवाब, टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है। टच स्क्रीन के नीचे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है। जब आप टच करते हैं तो नीचे स्थित इलेक्ट्रिक करंट में बदलाव आता है, जिससे यह पता चलता है कि टच कहां पर हुआ है। सवाल नंबर 26, बवाल होने पर सरकार क्या करके इंटरनेट बंद करवा देती है? सही जवाब, सरकार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश भेजती है कि वो इंटरनेट बंद करवा दे। अगर सरकारी टेलीकॉम कंपनी है तो कंट्रोल सरकार के अपने हाथ में है, और प्राइवेट कंपनी है तो भी लाइसेंसिंग सरकार की ही होती है। सवाल नंबर 27, बिल गेट्स इतने अमीर कैसे बने? सही जवाब, बिल गेट्स को 13 साल की उम्र से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि थी। बिल गेट्स और उनके पार्टनर पॉल एलन ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया, और माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस की बदौलत आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सवाल नंबर 28, ट्रैफिक लाइट कैसे काम करता है? सही जवाब, ट्रैफिक लाइट टाइमर की जगह स्मार्ट या बुद्धिमान सेंसर पर आधारित ट्रैफिक सिग्नल पर काम करता है। जब एक साइड रोड पर कोई वाहन
चौराहे पर आता है तो एक सेंसर इसका पता लगाएगा और फिर लाइट के जरिए उसे जाने या रोकने का काम करता है। सवाल नंबर 29, मुकेश अंबानी के घर कितने नौकर हैं? सही जवाब, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया 27 मंजिल की इमारत है जिसकी देखरेख करीब 600 आदमी करते हैं। सवाल नंबर 30, अंडे कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब, अंडे 9 तरह के होते हैं जिसे हम खा सकते हैं। नंबर 1, सफेद मुर्गी के अंडे। नंबर 2, भूरे मुर्गी के अंडे। नंबर 3, कैवियर मुर्गी के अंडे। नंबर 4, बतख के अंडे। नंबर 5, बटेर के अंडे। नंबर 6, टर्की के अंडे। नंबर 7, हंस के अंडे। नंबर 8, बैंटम के अंडे। नंबर 9, हिल्सा मछली के अंडे आदि खा सकते हैं। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।